हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 2 अप्रैल 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून से। लेक्चर चालू करने से पहले बता दें, जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org पर विजिट करके स्टडी मटेरियल्स और बाकी मैटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब करके आप हमारे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस चालू कर दिए हैं, तो जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे इन बैचेस में इनरोल हो सकते हैं, जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए है। तो अगर आप इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स या एपीएससी प्रीलिम्स या जेके पीएससी प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, तो आप हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, जो दोनों ही पेपर में होगा, जनरल स्टडीज और सीसेट में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की क्लासेस चालू हो चुकी है। ये क्लासेस अरविंद सर ले रहे हैं, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज डेली न्यूज एनालिसिस। आज का जो हमारा पहला न्यूज है वो है 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड। देखिए, रिसेंटली सुपरस्टार रजनीकांत को ये अवार्ड दिया गया है, और इसके लिए रजनीकांत पूरी तरह से हकदार थे। इन्हें और बहुत पहले मिलना चाहिए था। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 रजनीकांत को दिया गया है, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया ट्वीट करके। रजनीकांत साउथ इंडिया या पूरा कहा जाए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े नाम है। इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा भारतीय जो रजनीकांत को नहीं जानता होगा। तो थोड़ा समझते हैं आखिर दादा साहब फाल्के अवार्ड होता क्या है, ये किसके लिए दिया जाता है। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा साहब के नाम पे रखा गया है, जो भारतीय सिनेमा के फादर माने जाते हैं। और ये अवार्ड हर साल फिल्म और फिल्म इंडस्ट्रीज में जो जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नेशनल अवार्ड प्रोवाइड कराती है। ये अवार्ड बेसिकली एक ज्यूरी डिसाइड करती है हर साल। बेसिकली इस बार की जो ज्यूरी है वो है आशा भोसले जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुहास गई जी, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी, और म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी जी, जो वेस्ट बंगाल या टॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर्स हैं। रजनीकांत इज द 12th साउथ इंडियन, ये 12वें साउथ इंडियन है टू गेट दिस अवार्ड। लेजेंड्स लाइक डॉक्टर राजकुमार, इससे पहले डॉक्टर राजकुमार को मिला हुआ, अकिनी नागेश्वर राव को मिला हुआ, के बालाचंद्रन साहब को मिला हुआ इससे रजनीकांत से पहले। रजनीकांत को इससे पहले भी पद्म भूषण दिया जा चुका है, और पद्म विभूषण से ही भी इनको नवाजित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर कहा जाए तो इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, एक तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में। And it is presented annually at the National Film Award Ceremony by the Directorate of Film Festival. ये organization ये award देती है। Basically, it is an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. ठीक है, तो ये एक तरह का government organization है, और Ministry of Information and Broadcasting इस award को देती है। The recipient is honored for their outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema and is selected by a committee consisting of eminent personalities from Indian film industries. ठीक है, इस अवार्ड में एक स्वर्ण कमल होता है, जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये अवार्ड एक स्वर्ण कमल होता है जो मेडेलियन के तो मेडल के तौर पे, एक शॉल दी जाती है, और कैश प्राइज ऑफ करीब 10 लाख की कैश प्राइज भी दी जाती है। देखिए, कैश प्राइज बड़े मायने नहीं रखती, मायने रखता है ये अवार्ड। तो स्वर्ण कमल ये इंडिया का एक हाइएस्ट फिल्म अवार्ड है। दिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था 1969 में, और दिस अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट दादा साहब फाल्के कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन सिनेमा। देखिए, दादा साहब फाल्के जो हैं वो इंडियन सिनेमा के जनक माने जाते हैं, और इनकी जो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र थे। तो बहुत बड़े पर्सनैलिटीज हैं इंडियन सिनेमा के लिए, और इंडियन सिनेमा के जनक भी माने जाते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है 3rd जॉइंट लॉजिस्टिक हब फॉर आर्म फोर्सेस। देखिए, रिसेंटली हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने जॉइंट लॉजिस्टिक हब अनाउंस किया है 3rd। इससे पहले फर्स्ट और पहला और दूसरा पहले ही अनाउंस हो चुका है।
ये तीसरा जॉइंट लॉजिस्टिक हब है फॉर आर्म फोर्सेस। देखिए रिसेंटली इंडियन आर्मी में थिएटर कमांड का कंसेप्ट आ रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है वी विल हैव थिएटर कमांड। देखिए थिएटर कमांड एक्चुअली एक ऐसा कमांड होता है जिसमें तीनों ही सेनाओं के, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, तीनों ही सेनाओं के लोग रहते हैं इन केस ऑफ क्राइसिस। अगर कभी ऑपरेशंस हुआ तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऑपरेशन सिर्फ एक कोई हमारी आर्मी डिफेंस फोर्सेस की यूनिट नहीं लड़ेगी, हो सकता है तीनों डिफेंस फोर्सेस की यूनिट एक संग मिलकर लड़े, इसीलिए थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। अब इस थिएटर कमांड को कैटर करने के लिए आपके पास एक जॉइंट लॉजिस्टिक हब होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे आमतौर पर जो जनरल कमांड होते हैं उनके अपने अपने लॉजिस्टिक हब होते हैं और उसी हब से उनको चीजें रसद या बाकी सामग्रियां प्रोवाइड कराई जाती है। असल में लॉजिस्टिक हब एक वह यूनिट होता है जो बेसिकली आर्मी या सेना को रसद और सप्लाई प्रोवाइड कराता है, जैसे कि खाना हो गया, एमुनिशंस हो गया, वेपन्स हो गए, एमुनिशंस वगैरह हो गए, तो इन सब चीजों को प्रोवाइड कराती है। तो अगर ये जॉइंट लॉजिस्टिक हब होगा तो ये तीनों ही सेनाओं को लॉजिस्टिक सप्लाई देगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी विद ऑल द डिफरेंट थिंग्स और इक्विपमेंट्स जो उन्हें चाहिए। सो ये थर्ड जॉइंट लॉजिस्टिक हब कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर द थिएटर कमांड और आने वाले टाइम में थिएटर कमांड फुल्ली फंक्शन हो जाएगा, जो बेसिकली डेडिकेटेड होगा इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट या सेगमेंट्स को। जैसे कि चाइना के लिए एक अलग थिएटर कमांड होगा, पाकिस्तान के लिए एक अलग थिएटर कमांड होगा, बाकी रीजन के लिए। तो द इंडियन आर्मी ऑन थर्सडे ऑपरेशनलाइज्ड ए न्यू जॉइंट लॉजिस्टिक नोड इन मुंबई। ये मुंबई में स्टेब्लिश किया गया है। तो ये लोड बेसिकली, ये जो नोड है बेसिकली मुंबई में लाया गया है, मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया है। और द इंडियन मिलिट्री ऑन थर्सडे ऑपरेशनलाइज ए न्यू जॉइंट लॉजिस्टिक नोड इन मुंबई टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द थ्री सर्विसेज, विच इज ए मूव दैट विल बोस्टर जॉइंटनेस एज वेल एज हेल्प कट कॉस्ट एंड बेटर यूटिलाइज मैन पावर। देखिए रिपीटेशन ऑफ वर्क से बचेगा, एक ही चीजों को पहुंचाने के लिए एक ही पर्टिकुलर मैन पावर यूज होगा, ना कि तीन अलग अलग। The joint logistic node will provide integrated logistic covers to the armed forces for their small arm ammunitions, rations, fuel general stores, civil hire transport, aviations, clothing, spares and also engineering support in an effort to synergize their operational efforts. The other two joint logistic node is in Guwahati और दूसरा जो है वो ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार कमांड जो पोर्ट प्लेयर है, were operationalized on January 1st, 2021. तो ऑलरेडी ही दो जॉइंट लॉजिस्टिक नोड ऑपरेशनल है और ये तीसरा हमारा जॉइंट लॉजिस्टिक नोड है। होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा जॉइंट लॉजिस्टिक हब के बारे में। चलिए हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। देखिए रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं उसको, उसके रेट्स को डिक्रीज करने की बात की थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस उस डिक्रीज रेट को वापस ले लिया और रेट्स डिक्रीज नहीं हुए। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम होगा जो इस मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दी जाती है जो कोरोना के चलते, क्योंकि ये देखिए ये सब सारी इंडस्ट्रीज कोरोना के चलते लगभग बहुत ही कैश क्रंच की मार झेल रही है और ये हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म या डिस्ट्रॉय हो जाए, उनको फिर से रिबर्थ करने के लिए गवर्नमेंट ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई थी। ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इसको 3,00,000 करोड़ तक कर दिया जाएगा और ये चलेगा टिल June 30th तक। सो द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द 3,00,000 करोड़ इमरजेंसी गारंटी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय अनदर 3 months एंड ऑल्सो वाइडन इट्स स्कोप टू न्यू सेक्टर्स। मतलब ना ही सिर्फ ये 3,00,000 करोड़ स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 30th June तक, बट इसके अंदर में कुछ और भी इंडस्ट्रीज को जोड़ दिया गया है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी को जिसमें होटल इंडस्ट्रीज वगैरह उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ट्रैवल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, होप ये चीजें समझ में आएंगे। तो थोड़ा समझते हैं आखिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या। द स्कीम वाज लॉन्च एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज अनाउंस इन May 2020 टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई थी। ये इस स्कीम के तहत द मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को 100% गारंटी कवरेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, वेयर एज बैंक इसके लिए स्पेशल एक कंपनी बनाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी।
whereas banks and non-banking financial company will provide loans. लोन बेसिकली कौन देगा? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. लोन बेसिकली कौन देगा? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. बट ये जो कंपनी होगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ये उस गारंटी उस उनको गारंटी देगी कि ठीक है आपका पैसा अगर जाता है तो वी आर देयर टू प्रोवाइड यू द अमाउंट. द क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, ये गारंटी के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा. और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी फैसिलिटीज, इट विल हैव नो गारंटी फी, किसी भी तरह का गारंटी फी आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं. एंड नो गारंटी फी शैल बी चार्ज बाय द एनसीजीटीसी फ्रॉम द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस अंडर द स्कीम. इंटरेस्ट रेट अंडर द स्कीम शैल बी कैप्ड टू 9.2% फॉर बैंक एंड एफआईएस एंड 14% फॉर एनबीएफसी. तो 9.25 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, जबकि 14% नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए. Borrowers with credit outstanding up to rupees 50 crore as on 29th February 2020 and with an annual turnover of up to 250 crores are eligible under the scheme. तो जिनका credit outstanding 50 crore होता है और annual turnover 250 crore के ऊपर तक का है, उनके लिए ये वो eligible होंगे. On 1st August 2020, the government widened the scope of rupees 3 lakh crore scheme by doubling the upper ceiling of loan outstanding and including certain loan given to professionals like doctors, lawyers, chartered accountants for business purposes under its ambit. उनके लिए भी कुछ गारंटी वगैरह दी गई है. इस स्कीम का बेनिफिट क्या होगा? The scheme will is expected to provide credit to the sectors at low cost. इनको low cost इस credit दिया जाएगा. Thereby enabling MSMEs to meet their operational liabilities and restart their businesses. Emergency credit line guarantee scheme would involve extending credit up to 40% of the total credit outstanding across all lending institution as on February 29, 2020. तो 29 फरवरी 2020 तक जो भी अगर जितना भी होगा आपके जो बकाया उसका 40% तक ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा देगा. The tenure of loan guaranteed under ECLGS is 6 years. 6 years तक ये मॉनिटर दिया जाएगा including moratorium period of, ये निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है. देखिए ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है क्या? इट वाज सेट अप इन 2014 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. और इसका पर्पस है टू एक्ट एज अ कॉमन ट्रस्टी कंपनी टू मैनेज एंड ऑपरेट वेरियस क्रेडिट ट्रस्ट फंड. तो बहुत सारे क्रेडिट ट्रस्ट फंड को ये क्या करेगा? मैनेज करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं एक नए डेली न्यूज एनालिसिस में. तब तक के लिए शुक्रिया. होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा. और ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल इंस्पिरेशन आईएएस लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे. आज तक के लिए शुक्रिया.